ये बहुत ही सुंदर स्टाइलिश शॉपिंग बैग हम आज आपको बनाना सिखाएंगे, वो भी पुराने कपड़ों से। और ये खूबसूरत सा बैग कैसे बनकर तैयार होगा आप देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैग गुरु चैनल पर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे भी। दोस्तों ये बैग बहुत ही आसान है बनाना, और इसके लिए आपको एक पुराने सूट या पुराने कपड़ा जब कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। और इसके साथ आपको चाहिए चैन, रनर, थ्रेड, बेल्ट और वेलक्रो। अगर आप चैन लगाना चाहते हैं तो चैन लगाएं, अगर आपको वेलक्रो लगाना है तो वेलक्रो लगाएं। और इस बोरे की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसके बीच में बोरा लगाएंगे। ये है हमारा बेस जिसकी लंबाई 15 इंच की थी और चौड़ाई 4 इंच की। इसके बाद ये है हमारा बॉडी पीस, जो दो पीसेस हमें चाहिए होंगे जिसकी लंबाई 18 इंच की है एवं चौड़ाई 15 इंच की। आप देख सकते हैं नीचे जो इस सूट का अस्तर था वही हमने लगाया है, और इसके बीच में हमने फोम के जगह इस बोरे का इस्तेमाल किया है, जो एक प्लास्टिक के बोरे जो आपको आपके घर में आटा लाने के काम आती होंगी या चावल के साथ आती होंगी उसी तरह के बोरे आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। और देख सकते हैं ये बैग जैसे हमने आपको शुरुआत में दिखाया काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये आपको भी। तो जो पहले सबसे पहले हमें काम करना है वो है हमें सिलाई कर लेना है इस बॉडी पीसेस पर। दोनों ही बॉडी पीसेस पर हमें चेक मार लेना है। जैसा कि आपने देखा ये हमारा पहला बॉडी पीस है जिसके ऊपर हमने चेक मार लिया, और जो उसके अगल बगल जो भी जो वेस्ट कपड़े हैं जो भी है उसको हमने काट लिया, और ये हमारा बॉडी पीस तैयार हो गया। ऐसे ही आपको दोनों ही बॉडी पीसेस को तैयार कर लेना है, और उसके बाद आपको इस बैग पर एक चुन्नट की तरह इस तरह बना लेना है। ये चुन्नट बनाना आसान है, आपको केवल अपने अंदाज से इस पीस को तीन भागों में बांट लेना है, और जहाँ जहाँ आपको भाग दिखे यानी दो बीच में आपको मार्क लगाकर उस तरह मोड़ लेना है। ये आप अपने अंदाज से भी कर सकते हैं, और काफ़ी आसानी से इसके ऊपर एक छोटी सी सिलाई चला लेनी है जैसा कि हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए हमारा ये जो आगे का बॉडी पीस था इसके ऊपर एक चुन क्रिएट हो गया है एक चुन्नट की तरह, और हमने इसके बीच में एक मार्किंग करके ये वेलक्रो लगा लिया। हमने आपको पहले भी बताया था अगर आपके पास चैन रनर नहीं है तब भी आप इस बैग को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। वेलक्रो लगाकर भी आपके पास चैन रनर ना हो तब भी आप इजीली इस बैग को बना सकते हैं बिना किसी बाजार के सामान को खरीदे हुए। अगर आपको चैन रनर लगाना है वो भी हम दिखाएंगे इसी बैग में। और ये आपने एक और मार्किंग कर ली जहाँ पर आप लगाएंगे स्टेप को। ये देखिए दोनों ही तरफ से 3 इंच छोड़कर आपने मार्किंग लगाई है, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। और इसके बाद हम यहाँ लगा रहे हैं स्टेप को, ये इसको बेल्ट भी बोलते हैं। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो इसको स्टेप कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। आप इसको खरीद सकते हैं, काफ़ी सस्ते मिलते हैं, और इसकी जो लंबाई है इस बेल्ट की वो है 25 इंच। ऐसे ही दो बेल्ट आपको दोनों ही बॉडी पीसेस पे लगानी है। आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हमने इस बॉडी पीस पे इस बेल्ट को लगा लिया, और ये है हमारा अस्तर जो अंदर की ओर लग रहा है, और इसकी जो लंबाई है 15 इंच की है एवं चौड़ाई जो है इसकी 4 इंच की है। इसको काफ़ी आसानी से जो हमारा सूट का कपड़ा था उसी का ये है। आप देख सकते हैं ये कपड़ा एकदम मैच कर रहा होगा, ये सूट का ही कपड़ा है। जिस भी आप कपड़े को काटेंगे उसी को आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसको हमने स्टाइलिश इस बैग को बनाने के लिए लगाया है, और देखिए हम कैसे इसको सिलाई कर रहे हैं। पहले इसको हमने पीछे की ओर मोड़ लिया, पहले एक तरफ सिलाई चलाई थी उसके बाद पीछे की ओर मोड़ के इसको जैसा कि हमने इस वीडियो में दिखाया थोड़ा सा मोड़कर उसके ऊपर सिलाई चला दी। ये बैग बनाना काफ़ी आसान है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस बैग को बना सकते हैं, केवल ही केवल आधे घंटे के अंदर ये बैग आपका बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप शुरुआत से बनाना चाहें तब पर भी आपको इस बैग को बनाने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि जो इस बैग में सामान लग रहे हैं वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। आपको सिर्फ वेलक्रो लगाना था, लेकिन अगर आप चैन रनर लगाते हैं तो ये बैग और भी आपको खूबसूरत लगेगा। कैसे लगेगा वो आप इस वीडियो के अंत तक तो देख ही लेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में भी दो फोटोज़ दिखाए थे, लेकिन ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तभी आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये हमारे दोनों बॉडी पीसेस हमने तैयार कर लिए। हमने फर्स्ट बॉडी पीसेस को आपको पूरा बनाते हुए दिखाया था, सेम उसी तरह आपको दूसरे बॉडी
पीस को भी तैयार करना है। वेलक्रो का दूसरा साइड दूसरे बॉडी पीस पर लगा देना है और आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये हमने जो आपको शुरुआत में बेस दिखाया था वही हमारा बेस है, जिसके अंदर हम दो बोरी के पीसेस को लगा रहे हैं ठीक उसी के बराबर, और इसके नीचे एक अस्तर और ऊपर भी। तो यानी आपको इसको बनाने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं आने वाली। ये सूट के कपड़े हैं जो ये दोनों तरफ हम लगा रहे हैं। आप भी किसी भी पुराने कपड़े से इस बैग को बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बैग आप बना सकते हैं। बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एक बार वीडियोस देखिए। हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाल रखे हैं जिसमें आप अपने पुराने कपड़ों से ठीक इसी तरह से सुंदर सुंदर से बैग आप खुद अपने घर में बना सकते हैं। तो ये है हमारा बेस तैयार हो गया। बेस देख सकते हैं आप, जिसकी हमने लंबाई आपको बताई थी 15 इंच की एवं चौड़ाई 4 इंच की। अब जो हम दिखाएंगे ये आपको बनाना बैग में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बैग थोड़ा और मल्टीपर्पज़ बन सके उसके लिए ये बनाना है। ये है अंदर के लिए पॉकेट बनाना। देख सकते हैं हम एक पहले कपड़े एक छोटे से कपड़े को ले लिए जो एक स्क्वायर शेप में है। आप अपने अनुसार से इस पैकेट को बनाएं, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है, आपको जैसा चाहिए जैसी आवश्यकता हो वैसा बनाएं। हमने बस इसके ऊपर चैन लगा लिया। चैन लगाना काफ़ी आसान है, हमने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया है, इसमें भी दिखा रहे हैं। पहले चैन लगाने के बाद अब हम इसमें रनर लगाएंगे। रनर पीछे की ओर से लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि हम इस जो ये हमारा पैकेट है इसको भी हम सीधा करेंगे। पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई चला लेते हैं, दूसरी ओर भी हमें सिलाई चलाना है। पहले एक तरफ हमने सिलाई चलाया, फिर अब हम दूसरी ओर सिलाई चलाएंगे, और उसके बाद इस रनर के सहारे इस रनर को पहले खोलेंगे, इस चैन को। देखिएगा हम कैसे इस पैकेट को सीधा कर रहे हैं। और जो ये हमने पैकेट बनाया है एक स्मार्टफोन के लिए बनाया है। एक स्मार्टफोन ईजिली इसके अंदर आ सकता है, आपके बैग के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा आपका स्मार्टफोन। तो ये देख सकते हैं हमने ये पैकेट बना लिया। पैकेट आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाना था, और हमने अब इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये हमारा बॉडी पीस, और बॉडी पीस के साथ आप किसी भी और जोड़ सकते हैं। दोनों बॉडी पीसेस आपको एक ही तरह लगेंगी, क्योंकि ये ऐसा बैग है जो एकदम बिल्कुल सिमेट्री है। और हम इसके लिए पैकेट लगा रहे हैं, पीछे हम इसके पैकेट लगा रहे हैं। हम दिखाएंगे कैसा लगेगा ये पैकेट, और ये देख सकते हैं काफ़ी अब सुंदर लग रहा है ये बैग भी। और आपको पता चल रहा होगा कि आप अब इसको बहुत ही प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बेस, हमारे दोनों ही बॉडी पीसेस बन चुके हैं, हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब इसको बस बाकी है तो जोड़ना। आपने बेस को देखा, अब हम दिखाते हैं कैसे इस दोनों ही बॉडी पीसेस को जोड़ना है। आप देख सकते हैं इन दोनों ही बॉडी पीसेस को, और अब हम जा रहे हैं दोनों को ही जोड़ने एक साथ। आपको एकदम ठीक इसी प्रकार रख लेना है, दोनों को लट कर एक साथ जोड़ कर ऐसे रख लेना है, और आखिरी में सिलाई करनी है एकदम लास्ट में। ये देख सकते हैं ऐसे ही सिलाई करें जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और आप बहुत ही आसानी से इस बैग को बना पाएंगे। और ये है, आप किसी भी कपड़े का यहाँ इस्तेमाल करके इसके ऊपर इसको चला सकते हैं। ये हम इस बैग को अच्छी लुक देने के लिए कर रहे हैं। ये जो हम अभी कर रहे हैं, जो इसके ऊपर एक पाइपिंग टाइप का लगा रहे हैं, इसको करना एकदम ज़रूरी नहीं है। आप बिना किए भी अपने बैग को बना सकते हैं, और आपका बैग ऊपर से देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आपको अंदर से भी इस बैग की खूबसूरती चाहिए तो आपको जैसा हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। और ये हमारा चैन, हमने पहले ही बताया हम आपको वेलक्रो भी लगाना सिखाएंगे और चैन भी लगाना सिखाएंगे, जिससे आप दोनों ही प्रकार से इस बैग को बना सके। अगर आपके पास वेलक्रो है तो वेलक्रो की तरह, अगर चेन है तो चेन की तरह। चेन को पहले आपको बीच से खोल लेना था, उसके बाद एकदम सीधा जोड़ना है। ये देख सकते हैं हमने बीच में इन दोनों ही पीसेस को जोड़ा था, और चैन को हमने बीच से खोल लिया है। दोनों ही चेन एक साथ नहीं है, चेन को हमने पहले ही खोल लिया था, और इसको एक साथ हमने सिलाई कर लिया। ये देखिए एकदम स्ट्रेट है ये, और आप देख सकते हैं हमने पहले ही चेन को ओपन कर लिया था। जो एक साइड होता है चेन का वही हमने सीधा एकदम सिलाई कर लिया, और ये देख सकते हैं आप सिंगल पीस है ये हमारे चैन का, और ठीक इसी प्रकार एकदम सीधा सिलाई किया था हमने, बीच में पहले ही सिलाई कर लिया था। और अब हम इसको दूसरी ओर से सिलाई कर देंगे, जिससे अब आपको ये बैग का रूप लेता हुआ दिख जाएगा। ये जो बैग है काफ़ी सुंदर सा बैग, शॉपिंग बैग, और इसको आप अपने घर में किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, तो ये तो आपके लिए काफ़ी आसानी है। और अब हम जो पाइपिंग का जो अलग से कपड़ा निकला था उसको हमने काट लिया, अब हम दूसरी ओर भी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए आप किसी भी प्रकार का कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सूट के ही कपड़े का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार के कपड़ा जो आपके घर में अवेलेबल हो उसको लगाकर आप इसके ऊपर जो ये हमारा यहाँ सिलाई हुआ है इसके ऊपर लगा दीजिए, जिससे आपका बैग अंदर से भी खूबसूरत दिखेगा। अगर कोई देखता है तो उनको भी बहुत ही जचेगा ये बैग। और इसके बाद आप वहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपको बाहर निकल गया है सिलाई से उसको काट लीजिए,
अब हम लगाएंगे इसके ऊपर नीचे बेस। पहले हमने इसके नीचे की जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको काट लिया। अब ये देखिए, ये हमारा बेस है जिसकी लंबाई 15 एवं चौड़ाई 4 इंच की थी, और इसके हमने पहले मिडिल पोर्शन को मार्क कर लिया। ये देख सकते हैं दोनों ही तरफ आपको मिडिल पोर्शन भी मार्क करना आ ही गया होगा। और हमने इसको जो इसका मिडिल पोर्शन है, इसको जो ये जहाँ से हमने सिलाई किया है वहाँ पर पहले हमने उसको एक साथ कर लिया। और अब हम सिलाई करेंगे जिससे हम बहुत ही आसानी से इस बैग की जो बेस है उसको भी इस बैग के साथ जोड़ पाएंगे, और फिर ये बैग हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम मार्केट रेडी ये बैग हो जाएगा जिसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। बहुत ही सुंदर सा बैग, हमने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया, जितना सुंदर कपड़ा होगा आपका उतना सुंदर ये बैग दिखेगा। अगर आपको इस बैग में लगने वाले किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए और आप हमसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं इन सब सामानों को। और ये देखिए, हमने दूसरी ओर भी सिलाई कर ली। पहले हमने एक ओर सिलाई किया था, फिर दूसरी ओर सिलाई कर रहे हैं। अब काफ़ी आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता इस तरह के बैग को बनाना। और ये बैग तो काफ़ी आसानी से बनाया गया है, किसी भी विशेष सामान की आवश्यकता भी नहीं है इस बैग को बनाने के लिए, तो आप भी बहुत ही आसानी से इस बैग को बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने बेस को भी लगा लिया। बेस के में जो हमने लगाया है वहाँ पर भी हम पाइपिंग की तरह एक कपड़े को इसके साथ सिलाई करेंगे। हमने पहले भी बोला है जो ये हम पाइपिंग्स लगा रहे हैं सिलाई के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है, ये बैग की खूबसूरती के लिए है। अगर आपको बैग को खूबसूरत बनाना है तब आप इस तरह इस पाइपिंग्स को लगाइए। अगर आपको बैग की खूबसूरती नहीं, आपको ये डेली यूज़ के लिए बनाना है, सब्जी लेने के लिए या ग्रोसरी के लिए या शॉपिंग्स के लिए, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन ये बैग तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, हम आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत ये जो दिखेगा हमारा बैग। अब हम इस बैग को सीधा कर रहे हैं क्योंकि हमने लगभग सारे ही काम कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक छोटा सा काम है जो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पहले हम आपको दिखा दें, अभी तो आपको इस बैग का पूरा लुक दिख रहा होगा, लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी काम है कि इस चैन के साथ ये जो चैन लास्ट में ओपन है इसको हम बंद करें। इसको बंद करने के लिए भी हम कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो दोनों ही तरफ आपका चैन इस तरह खुला हुआ है, पहले इसके अंदर आप रनर लगा लें। ये रनर लगाना काफ़ी आसान है, हमने हर वीडियो में आपको दिखाया है। बहुत ही आसानी से आप इस बैग को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से सारे ही कार्य कर सकते हैं जो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। किसी भी खास स्किल की भी ज़रूरत नहीं है आपको इन सब बैग बनाने के लिए। और ये देखिए, ये है कपड़ा, किसी भी प्रकार का कपड़ा हो, ये कपड़ा मैच करे ना करे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा देता है। और इसको तो बस एक तरह से आपको बस चैन को लास्ट में ढकने के लिए लगाना है जिससे आपका रनर बाहर ना निकले। तो ये देख सकते हैं, हमने पहले इसको एक टोपी की तरह बना लिया है और ठीक इसको अंदर लगा लिया चैन के अंदर। और पहले हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, ये देख लीजिए, हम पूरा अंदर नहीं कर रहे हैं इसको, थोड़ा ही अंदर करके सिलाई किया है क्योंकि इसके बाद भी आपको मोड़कर फिर से सिलाई करना है। देख लीजिए, फिर से देखिए, और इसको मोड़कर फिर से हमने सिलाई किया। बहुत ही आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं, ये कपड़े मोटे नहीं हैं, काफ़ी पतले हैं, किसी भी मशीन पर आसानी से चलेंगे। और ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है, जैसे ही हमने ये सिलाई कर लिया ये बैग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब आप इसको एकदम मार्केट रेडी बैग, आप इसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करें, स्टाइलिश बैग है ये, और आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि देखने में काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए, हमने अंदर में जो पैकेट लगाया था उसके अंदर आप कोई भी स्मार्टफोन, अगर आपको मनी है उसको रख सकते हैं, आप सामानों को अलग अलग रख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने चेन लगाया था, हमने बोला वेलक्रो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, इस बैग का लुक काफ़ी सुंदर लग रहा है ये बैग, और जब आप इसको लेकर जाएंगे लोग आपकी तारीफ़ों के फूल बांध देंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप पर भी मुझे विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस बैग को बनाने के बाद, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे सभी इस बैग को बनाएं।